इस वीडियो में जानेंगे अगर आप एक गूगल पे यूजर है और आप गूगल पे के अंदर कोई बैंक को लिंक करके यूज कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। बट आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही गूगल पे को यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे तो इस तरीके से इसका फर्स्ट यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ बात करेंगे क्रेडिट लिमिट क्या है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको जो प्रोफाइल का लोगो दिख रहा है, यानी आपका जो प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है, आप इस पर वन टैप करेंगे। वन टैप करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब यहाँ मिलेगा देखिए बैंक अकाउंट और यहाँ मिलेगा यूपीआई लाइट, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे और आना है, आपको देखना है कि यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। नहीं मिल रहा आपको बैंक अकाउंट पर सिंपली टैप करना है। टैप करोगे अब नीचे आओगे तो यहाँ आपका सारा बैंक लिंक हुआ मिलेगा एंड उसके नीचे मिलेगा आपको एक ऑप्शन ऐड क्रेडिट लाइन। हालांकि ये फीचर्स फोन पे के अंदर भी आ चुका है, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐड क्रेडिट लाइन पर टैप करेंगे तो अब यहाँ पर सिर्फ तीन ही बैंक शो हो रही है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि सिर्फ यहाँ पर तीन बैंक ही क्यों शो हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी लेटेस्ट अपडेट है और अभी तक सिर्फ ये तीन ही बैंक के अंदर फैसिलिटीज़ दे रखी है आरबीआई ने। आने वाले कुछ वीक के अंदर सही बैंक का लिस्ट यहाँ पे शो होगा। अगर इन तीनों बैंक में से आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो आप इजीली इसको यूज़ कर पाओगे। इसको यूज़ करने का प्रोसेस क्या है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है, राइट। अगर आप एसबीआई बैंक अकाउंट को क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी लिए होंगे तो आपको सिंपल से यहाँ पर टैप करना है। टैप करके यहाँ फाइंडिंग क्रेडिट लाइन करेगा। अब यहाँ पर दिखा रहा कुड नॉट फाइंड क्रेडिट लाइन। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि हमारे पास एसबीआई के बैंक है तो यहाँ पे ऐसा एरर क्यों आ रही है। ऐसा एरर आएगा सही यूजर्स के लिए, क्योंकि आप जब तक क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट नहीं करोगे। अब फिर से कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक्टिवेट कैसे करना है। देखिए एक्टिवेट करने के लिए ऑनलाइन अभी तक कोई ऑप्शंस यहाँ पर आरबीआई ने नहीं दे रखा है। हाँ, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ऑप्शंस मिल जाएगा, लेकिन आपको आपको अभी चाहिए क्रेडिट लाइन तो आपको एसबीआई के ब्रांच जाना होगा। आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अपना एसबीआई के क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करा सकते हो। हाँ, अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक है तो आप इसका भी ब्रांच को विजिट करके क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करा लीजिएगा। एक्सिस बैंक का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन आप सोचोगे कि फ्री में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करने के लिए 127 रुपीज ऐसा आपको कुछ पे करना पड़ेगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, ब्रांच को विजिट करोगे तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे। हाँ, आपको बस चार्ज फर्स्ट टाइम देना है एक्टिवेट करने का, उसके बाद आप इस लिमिट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप दिए हुए क्रेडिट लाइन को यूज़ करके आप कहीं भी मर्चेंट को या किसी बंदे को ट्रांसफ़र करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बिफोर 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट को रीपेमेंट करना होगा। अदरवाइज आपको फिर प्लांटिंग तौर पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई इंस्टेंट आप इस आईडी पर मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।